दोस्तों फाइनल मुकाबला विधायक जी सरदार जी के साथ पर्चे प्राप्त करते हुए फाइनल मुकाबले में बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमें भाई जबरदस्ती में है, यूपी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं ये दो खिलाड़ी सूरज और आर्यन, जो कि अभी गोरखपुर में टूर्नामेंट हुआ था दो दिन पहले, फाइनल जीता था वहां पर 2 लाख रुपए इनामी राशि का टूर्नामेंट था वो। सभी ढिल्लों पाजी विधायक जी के साथ ऑफिशियल इस मुकाबले में दूसरी तरफ भाई लखावटी की टीम है ये, और लखावटी की टीम के ये दो स्टार खिलाड़ी बहुत सालों फाइनल मुकाबले में थे, उस मुकाबले में जो 2 लाख रुपए की इनामी राशि थी, और एक खिलाड़ी प्रशांत राठी यूपी की टीम की तरफ से था उसमें, दूसरी तरफ से जेडी की तरफ से बच्चों के उस मुकाबले में वहां पर किया था, और डीके एकेडमी यूपी योद्धा मेरठ टीम को हराकर 51,000 की इनामी राशि जीती थी। हालांकि वहां पर घोषित तो 1 लाख रुपए की थी, पर उन्होंने उसे घटाकर 51,000 कर दिया। फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा एक बेहतरीन और जबरदस्त 51,000 वहां से, और इसके अलावा कई जगह से 51,000 मयंक सूरज सूरज फाइनल का खिलाड़ी है, सीनियर प्लेयर बिज्जू वही कैप्टन है बुढ़ाना क्लब बागपत के। दूसरी तरफ गौरव विधायक जी भाई फाइनल का टॉस कराते हुए मौसम चौधरी जी विधायक टॉस जीता है बिज्जू ने और कोर्ट चूज किया है, पहली रेड देखने को मिलेगी लखावटी की तरफ से। दोस्तों फाइनल मुकाबला मौसम चौधरी जी विधायक जी सभी पाजी बुढ़ाना किला बागपत ने टॉस जीता है, बहानु तोमर पर वो कबड्डी स्टार, छोटा मैच जरूर है लेकिन निर्णायक मैच है इस टूर्नामेंट का। लखावटी की तरफ से मुकाबला स्टार्ट, पहली रेड बहानु तोमर, फाइनल मुकाबला मोरना कबड्डी टूर्नामेंट के इतिहास का 2023 51,000 रुपए, जो टीम फर्स्ट प्राइज जीतेगी उसे 51 मिलेंगे, सेकंड आने वाली टीम को 31,000, ये मल्टी पॉइंट रेड साबित होगी। दोनों टीमें रोहित तोमर मैच का फैसला अंत में होगा, एक तरफ भानु तोमर तो दूसरी तरफ रोहित तोमर, दोनों स्टार खिलाड़ी प्रो कबड्डी यूपी योद्धा के लिए दोनों खेल चुके हैं और यूपी के लिए सीनियर नेशनल भी दोनों खेल चुके हैं, बोनस मिलता हुआ। एक दिल्ली से तो दूसरी बोनस का अंक यूपी से इंडियन नेशनल, बहुत बढ़िया स्कोर हो गया भाई बराबर, दो दो स्कोर बराबर। मुकाबला स्टार्ट, साथियों टाइम आउट लिया था रोहित तोमर बागपत के बड़ौली गांव से बिलोंग करता है खिलाड़ी, और एक स्टार खिलाड़ी उभरता हुआ चाहे प्रो कबड्डी में हो या नेवी के लिए बात करें या यूपी के लिए बात करें, एमटी रेड जरूर देखने को मिलेगी। मुकाबला अभी भी बराबरी पर खड़ा है, दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी, दो स्कोर आकाश और लखावटी का यह बेहतरीन और स्टार खिलाड़ी। मैंने आपको बताया था कि पलटी लगाई है कुछ ही दिनों में सूरज के सामने से पॉइंट मिलेगा, एक और भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएगी। एक सेमीफाइनल में बहुत जबरदस्त फ्लाई जंप लगाई थी, लाइन जंप सुपर रेड की थी जिससे मुकाबले को पक्ष में किया अपने और फाइनल का टिकट कटा लिया, यहाँ पॉइंट मिलेगा अंक मिला, फिर से स्कोर बराबर, आदान दोनों तरफ से चला, ये शेर और चीते की लड़ाई है, कमजोर नहीं है, फिर से स्कोर बराबर। जब रेड उधर जाए तो इधर जो हमारे कपड़ा लगाने वाले हैं ना ग्राउंड के ऊपर वो कपड़ा लगा दिया करें जल्दी, देखो तीन नंबर जर्सी में अभी अभी नहीं अभी इधर अभी इधर अभी इधर, अच्छा ये क्या ले रहे तुम हाथ में, अच्छा अच्छा अच्छा
फिशिंग लाइन हुई है, कौन गिरा, आकाश गिर गया भाई। मैंने पहले ही बोला था ये स्केटिंग वाला ग्राउंड है, एम्प्टी रेड देखने को मिलेगी। हाँ ऐसे ही करते रहो बस, बस ऐसे ही काम चलेगा। भानु प्रताप, भानु ऐसे ही नाम हुआ करते थे पहले, आजकल की तरह नहीं। विक्की, जॉन्टी, मॉन्टी, उनकी माँ को नहीं उसके मतलब का पता, बस नाम रखते अरे वैसे बिना मतलब के नाम। एक आकाश, बस बस बस, अब इधर आ जा, बाहर 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 आ जा, बाहर तरफ है तो दूसरा आकाश बुढ़ाना क्लब की तरफ। थर्ड राइट, डू ऑर राइट, जी हां, डू ऑर डाई। लेकिन एंकल होल्ड करने का प्रयास, मयंका पॉइंट लगा एक और लकआउट के लिए। चार चार स्कोर बराबर, बिल्कुल टक्कर, कांटे की टक्कर है, बराबरी का मुकाबला दोनों टीमों में। 20,000 रुपए का फासला कम और खत्म करने की कोशिश में, समझदारी का सबूत देंगे तो 51,000 और बोनस मिलता हुआ 20,000 में तब्दील कर देगी। बहादुरी ने डुबकी भाई, कमाल की डुबकी, मल्टी पॉइंट रेड है। हेलो लकाबडी के पक्ष में लीड आ गई एक पॉइंट की, कभी एक पॉइंट की लीड इधर तो कभी एक पॉइंट की लीड इधर, फिसलन जरूर हुई है, क्या उसका फायदा उठा पाएंगे, लेकिन नहीं। सिक्स एंड फाइव, छह पांच का स्कोर, एक पॉइंट की एडवांटेज के पक्ष में। ये आपको लग ही रहा होगा कि चलो मुकाबला चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ लगा हुआ है इस मुकाबले पर। बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मुकाबले पर। गौतम स्वाद का डिफेंस फुल स्क्वायर, और भाई पहले हाफ की समाप्ति के बाद इस प्रतियोगिता से संबंधित इसके संदर्भ में दो शब्द कहेंगे। यहाँ की जो युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसे चार कर पाए सही, फिर से वही बोलने के लिए दो शब्द कहेंगे, तो इसलिए सभी तैयार रहे उस मरहले के लिए। मध्यांतर का समय करीब, डू ऑर राइट, बोनस का प्रयास जरूर कर रहे हैं आकाश, एक तरफ से आकाश तो दूसरी तरफ से भी आकाश। के साथ टैकल कर लिया, बहुत ही बढ़िया, एक और टैकल, हल्की फिसलन हो रही है लगातार। मध्यांतर का समय करीब और मध्यांतर होता हुआ और पहले आपकी समाप्ति पर 5-8, 5-8 रन का स्कोर, 3 पॉइंट की लीड में लगा दिया सर हेरी। मुट्ठी भेज के बोलिए, मोड़ने की आवाज एक एक कोने तक आवाज जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस सुंदर कार्यक्रम को करा रही यहाँ की समिति, लोकप्रिय जनप्रिय यहाँ के प्रधान जी मिंटू भाई, हमारे कबड्डी के कोच सुमित चौधरी जी, मोनू राणा जी, अंकित कुमार जी, जीत संधू जी और छोटू जी और साहब सिंह ढिल्लो जी और देवेंद्र राठी जी और यहाँ उपस्थित नीरज जरौली जी। मित्रों, बड़ा सुंदर आयोजन इस कबड्डी प्रतियोगिता का जो चल रहा है, इसमें सबकी सहभागिता है और जितने आयोजकों ने और सुंदर कमेंट्री कर रहे हैं हमारे इंद्रीस भाई जिनकी बहुत जोर से, उधर से भी कमेंट्री बराबर चल रही है, इंद्रीस इंद्रीस, तो कुछ तो खासियत है जरूर। आप टोली को पुकार रहे हैं, बहुत एंजॉय लेते हुए खिलाड़ियों की जो हिम्मत है और जो प्रदर्शन है।
फाइनल मुकाबला चलता हुआ और एक इधर अलग ही फाइनल चलता हुआ। हरियाणा से आए हैं, अपना कीमती समय दिया है और यहाँ के युवाओं को आप योग्य है। यहाँ उपस्थित मैं सभी खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा कि हमारी विधानसभा बिजनौर जरूर है और वहां पर युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करने पर भी उनका समस्त खर्चा आने जाने का और राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खेलने पर 1,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप अपनी तरफ से दी जाती है और जो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खिलाड़ी होने का गौरव हासिल करता है उसे 50,000 रुपए स्कॉलरशिप बिजनौर में विधायक वेतन से दी जाती है। और ये जो माटी है जहाँ मैं खड़ा हूँ ये उन किसान पुत्रों की माटी है जहाँ से अपना नाम खुद हम अपने बल पर लिखते हैं, अपनी हिम्मत पर अपना नाम चमकाते हैं और खाल के अपने गांव का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का नाम खिलाड़ी अपनी हिम्मत पे चमकाता है। ऐसे खिलाड़ियों को नमन वंदन करता हूँ। मित्रों, इस मंच से आग्रह करूंगा, अभी इदरीस भाई कह रहे थे कराया जाए, उसमें आपका सहयोग चाहिए। यहाँ पर खड़े प्रत्येक युवा खिलाड़ी से आज आग्रह और वंदन कर रहा हूँ कि आप आगे पढ़ो, ये भाई आपके साथ है, जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी 100% मेरा योगदान आपको मिलेगा। आप अपनी हिम्मत मत टूटने देना, आपको आगे बढ़ाने के लिए जो भी सुविधाएं होंगी सारी सुविधाएं मुहैया कराने का काम करेंगे, आपके साथ हर घड़ी खड़े होने का काम करेंगे और जहां भी आप कार्यक्रम कराओगे हर कार्यक्रम में आऊंगा क्योंकि मैं खुद राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूं और युवाओं के प्रति मेरा एक अलग स्नेह है। और इस की भावना को जितना मैंने समझा है राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होने के नाते और उन सुविधाओं का अभाव का जो मैंने खुद देखा है उस वक्त, आज वो सारे अभाव दूर होते जा रहे हैं। आज खिलाड़ियों का प्रदेश में और देश में एक सम्मान है और दोनों सरकारें केंद्र की और प्रदेश की खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है और इस बात का प्रमाण ओलंपिक और एशिया गेम्स में आपके बढ़ते मेडल है। और मेरे किसान पुत्रों, मेरे युवा खिलाड़ियों, आगे हिम्मत को बढ़ाओ, तुम अपनी मेहनत से ही अपनी किस्मत चमका सकते हो और ये डबल रोटी खाने वाले, ब्रेड खाने वाले तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुम तो दूध दही और मक्खन में पले हो, तो अपनी जान पे हाथ मार के अपनी किस्मत को आगे चमकाओ और हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, जब बुलाओगे यहां उपस्थित रहूंगा। आपका फाइनल मैच होने जा रहा है, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। आज दोनों टीम मजबूती से लड़ रही है और खिलाड़ी का अनुशासन ही उसका सब कुछ होता है। अपने अनुशासन में रहते हुए अपनी किस्मत को चमकाते हुए आप आगे बढ़े और अपने खेल को और चमकाए और जीतने वाली प्रथम और द्वितीय और तृतीय तीनों टीमों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ पर वॉलीबॉल का महासंग्राम होगा, यहाँ पे छछवल्ली में यहाँ बनिए, मिल जाए अगर आसमान की हुकूमत हमें तो सितारों की जगह। दो खिलाड़ी समय कोर्ट में है, बोनस का प्रयास किया है गौतम ने, बोनस को ओपन कर दिया है हेलीकॉप्टर की टीम ने। हालांकि ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं, लेकिन ये जो अंतर है इस ग्राउंड पर मायने रखेगा जरूर। अगर यहां से ऑल आउट मिला बुढ़ाना बागपत को तो पॉइंट जरूर मिला है। दो खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल ऑन, क्या स्कोर बराबर होगा, बहन तोमर रेड में है और ये मायने रखता भाई, क्योंकि यहाँ रेडर के पैर नहीं चल रहे हैं। पहले हाफ की समाप्ति पर तीन की लीड थी, छह आठ का स्कोर फिलहाल वर्तमान में गौतम में। अगर ऐसे ही आप बोनस देते रहेंगे और एम्प्टी रेड करते रहेंगे तो ये लीड बराबर हो जाएगी डू अढ़ाई रेड आने तक। लीड बची है 2 पॉइंट की। गौतम हेलो भाई, इसमें बैटरी चेंज होगी,
एक और एम्प्टी रन, दो के डिफेंस में आकाश और छोटू, ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा था हुआ। दो खिलाड़ी कोर्ट में थे मध्यांतर के समय, टच का दावा किया है लेकिन यहां पॉइंट मिलेगा और अगली रेड डू और डाई रेड आनी है। बिल्कुल कर और मरो की स्थिति रहेगी क्योंकि अगर यहां से खाली भी चले जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी। वैसे कबड्डी के नियमों से दूसरी रेड है, बोनस करो जरूर मिला है, बोनस लेकर अगर लौटेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। क्षेत्र में कायम होगा और आपकी पहचान और मुकाबला है 7-2-7 का मुकाबला है, लोगों के जहन और दिमाग में रहेगी और ये 4 पॉइंट के लिए एडवांटेज इन फेवर ऑफ ब्रोकर हेडी। 5 पॉइंट के लीड है सर भाई, ऑल आउट मिला है। फिसलन जरूर हो रही है और फिसलन यहाँ रेडर को भी और डिफेंडर को भी, इसका फायदा। 8-12 का स्कोर, 4 पॉइंट की लीड अभी भी। बागपत 4 पॉइंट से पिछड़ रही है। क्या निर्गाजने की टीम को अगर ये समीकरण बदलना है, लास्ट 4 मिनट टू गो, हाँ मुखिया ही बदल सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। थर्ड रेड डू ऑर रेड, आकाश उर्फ छोटू लखावटी का डू ऑर डाई, अनुभवी यूएस स्टार इस समय रेड में, वो करेड़ी गांव से बिलोंग करता है खिलाड़ी, जो कि मुजफ्फरनगर में यही पास में है मोरना के। निकलने का प्रयास है, क्या ये ब्रेड बड़ी होगी, लेकिन नहीं, झटपट आते हुए एक टैकल देखने को मिला। 9-12 का स्कोर है, 3-5 के डिफेंस में इस समय रोहित, 3 पॉइंट का अंतर है। हालांकि ये बेहतरीन है, ये स्लिप का फायदा मिला, फिसलन का फायदा मिलता हुआ। बच्चू अगली रेड आनी थी, लखावटी जिसका फायदा उठा सकती थी 5 के डिफेंस में, लेकिन अब बच्चू एक्शन में, यहां पॉइंट मिलेगा भाई, बच्चू को पॉइंट मिलेगा। फिर से 5 का डिफेंस, पहले 5 के डिफेंस में कामयाब हुए थे रोहित, क्या इस बार भी कामयाब होंगे? स्लिप का फायदा उठा रहे हैं, फिसलन का फायदा उठाते हुए रोहित, लेकिन ये फिसलन भाई कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। रेडर बिल्कुल स्केटिंग की तरह काम करते हुए ये मैच सोच, निर्गाजने की टीम ने टेढ़ी उंगली से समय काटने का प्रयास है। 2 मिनट चुको, 2 मिनट और अंतर, टीम गोइंग टू 51,000 रुपी, 10-13 का स्कोर, 3 पॉइंट की लीड में अभी भी लखावटी की टीम। हालांकि जो ये अंतर है भाई 3 पॉइंट का मायने नहीं रखता, लेकिन ये जो फिसलन हो रही है, बोनस है नहीं, मेहनत करनी होगी। ये देखो फिर से रोहित वही काम, पिछली रेड में 5 के डिफेंस में बानू तोमर को निशाना बनाया था, रेड आउट, फायदा मिलेगा लखावटी को। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त मैच देखने को मिलता है, बात पूरा संघर्ष होता है। 14-10 है फिलहाल, मुकेश की टीम 4 पॉइंटों से आगे, 14-10 बिल्कुल कह सकते हैं भाई, और 1 मिनट बची है, लास्ट अंत में 1 मिनट का समय शेष है, माइंड गेम खेलना होगा। आकाश इस समय दोनों ने बदल दी, आकाश ये फिसलन, आकाश दोनों तरफ से आकाश, थर्ड रेड पूरी तरह से समा काटना चाहेंगे बच्चों, क्योंकि जानते हैं अभी भी लीड 4 पॉइंट की है। आते ही लखावटी की टीम 1 पॉइंट देना चाहेगी, क्योंकि ये एक मिनट बोल चुकी है। वेलकम इन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी भी आफ्टर दिस मैच 4 पॉइंट का अंतर, फॉर थर्ड प्लेस गोयलाखेड़ा एंड लिबर्टी कंबाइंडली ज्वाइंटली रेड राउट, 1 पॉइंट
पॉइंट मिला है। स्कोर को बोल देने के बाद स्कोर वेरी गुड, वन टच पॉइंट 11-14। तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरे हम सफर मेरे हमराज हो, मान लो तुम मुझे अपना शाहजहां, मैंने पांची मारती हुई इस मुकाबले में नकाब डिग टीम 11-14 के साथ, और इसी के साथ नकाब डिग टीम तो पांची से नकाब डिग इस मुकाबले में जीत। आपका स्वागत इस मुकाबले में, थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला, धन्यवाद दोस्तों। दो पॉइंट से बाजी मारी बानू, ज्यादा संस्कार और खेलों को बढ़ावा देने का करिए, करें जय हिंद जय भारत। अपना प्रसाद।